एक तुर्जन फैमिली है, सक्सेस स्टोरी है जो कि मर्दान से जिनका ताल्लुक है और उन्होंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की है। हस्बैंड ने काम शुरू किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के जरिए सीखा और उससे उसकी वाइफ के पास एक स्किल था, उनको भी अपने साथ मिलाया और आज 4, 5, 6, 8 लोगों को उन्होंने अपने साथ नौकरी दी हुई है और वो फैमिली अपने आप को सपोर्ट कर रही है। खवातीन से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि केपी यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में अपना इंटरेस्ट शो करें, अपने आप को इनरोल करें और अपने लिए सीखें, अपने फैमिली के लिए सीखें, अपने मुल्क के लिए सीखें। पाकिस्तान में जॉब्स का जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, जो आपको सैलरीज हैं, उसमें आपका घर ही चल जाए तो बहुत ही एक बड़ी बात होती है। यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसकी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आई तो आई जस्ट एनरोल्ड इन दैट। ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, माशाल्लाह क्वालिटी वॉज ऑसम, लाइक क्वालिटी बहुत अच्छी थी एजुकेशन की। 2-3 मंथ्स के अंदर मेरी इतनी अर्निंग स्टार्ट हो गई कि मैं एक अपना वेंचर, जो मेरी एक सोच थी, एक विजन था, उसको उस पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और माशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है काम अच्छा होता गया। मैं और मेरे साथ जो मेरी वाइफ हैं, हम दोनों जो है अभी से एक स्टेज पे पहुंच गए हैं कि माशाल्लाह वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रीलांसिंग एंड द क्रेडिट गोज टू यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान को पैसा बाहर से आ रहा है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अभी मैं जॉब करना चाहती थी पर बेसिक जॉब ना करने का रीज़न लैंग्वेज बैरियर था। तो बेसिक मेरा इंटरेस्ट हमेशा पेंटिंग्स में रहा है, हमेशा मैं बनाती भी रही हूँ, पर चाहती थी कि इसे आगे चल के कुछ करूँ। मेरे हस्बैंड ने फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो फ्रीलांसिंग के बाद फिर मेरे हस्बैंड को पहला प्रोजेक्ट डिजिटल पेंटिंग का मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कर सकती हो। मैंने कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो जब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपको भी इसकी ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। और अब मुझे माशाल्लाह डेली के तकरीबन 8 से 10 प्रोजेक्ट्स मिलते होते हैं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इस वजह से टाइम इतना ज़्यादा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आगे अपने मज़ीद एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, 8 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मैं डिफरेंट काम दे के उनको पे करती हूँ। जिस तरह केपी में ये प्रोग्राम हुआ और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा हासिल किया, बहुत सी यूथ को फ़ायदा हुआ, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि दूसरे सूबों में भी प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़ायदा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। मेरा मैसेज है मिनिस्टर ऑफ आईटी शहराम खान से कि जिस तरह मुझे मौका मिला है, इस तरह मैं चाहती हूँ कि और प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि और लोगों को भी मौका मिले।